दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई ऐसे रहस्यों से घिरी हुई है जिनसे पर्दा उठाने पर वैज्ञानिक का भी हालत खराब हो चुका है। और हमारी पृथ्वी ही एक एकलौता ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन का अभी अनुमान लगाया जा रहा है। और इस पे भी एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक का भी पसीना छूट गया। तो चलिए जानते हैं आज ऐसे ही हमारी पृथ्वी के कुछ और रहस्यों के बारे में जिससे पर्दा उठाना वैज्ञानिक का हालत खराब कर दिया। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी पर लगभग पूरा हिस्सा पानी से ही भरा हुआ है और अलग अलग बड़े बड़े समुद्र हैं जिनमें से कुछ और ज्यादा बड़े हैं। वैसे अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो एक पैसिफिक ओशन ही एक ऐसा ओशन है जो हमारी पृथ्वी के पूरे 25% हिस्सा का अकेले भार उठा सकता है। और ये ओशन इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी का जितना पानी है उसका ये अकेले 5% हिस्सा कवर कर लेता है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी का हिस्सा 70% और 75% पानी से भरा हुआ है और बाकी 25% मनुष्यों के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो 25% का हिस्सा है अगर पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तो लगभग 5 समा सकते हैं। अब आपको इसी बात से अंदाजा हो गया होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। और ये बड़ा होने के साथ कई रहस्यों भी अपने अंदर दबाए हुए हैं जिनसे पर्दा उठाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। वैसे अगर बात करें इसके अंदर जीवों की, तो इनमें जीवों का तादाद बहुत ज्यादा है और पैसिफिक ओशन में जितने जीव रहते हैं वो हमारी बाहरी दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल अलग जीव है। इसमें मछली से लेकर सांप तक और बहुत सारे जेलीफिश से लेकर सारे जीव अलग अलग हैं, जो कि पैसिफिक ओशन में ही इकलौता एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए, ये है पैसिफिक ओशन का एक बहुत बड़ा शार्क मछली। अगर पैसिफिक ओशन के अंदर कोई नाव भी जाता है तो इससे बच कर जाता है, क्योंकि आप इसका शरीर का हाइट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी नाव से या किसी शिप से टकरा गई तो क्या हाल हो सकता है। इस मछली की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के दौर पे हो सकता है। अनुमान लगाया जाता है कि ये मछली पैसिफिक ओशन की सबसे निचले वाले हिस्से में रहा करती है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पाता। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इससे भी नीचे कई ऐसे जीव हैं जो पैसिफिक ओशन अपने अंदर दबाए हुए हैं और उनको अपने गर्भ में पाल रहा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पैसिफिक ओशन के अंदर भी एक जानवरों का अलग दुनिया है। साल 19 की बात है जब एक इंसान इसमें मछली मारने गया तो फिर वो इसी के अंदर गुम हो गया। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उसे बहुत ढूंढने के बाद पूरे 465 दिनों के बाद उसे ढूंढा गया। अब देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा ओशन है, जो एक इंसान को तो छोड़िए, इसमें एक एक आइलैंड भी एक छोटे डॉट के बराबर दिखते हैं।